बिग बॉस OTT 3 खत्म तो हो गया, पर व्यूअर्स बेशक बिग बॉस मिस नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह है खतरों के खिलाड़ी सीजन 14। एक वजह तो इसके कंटेस्टेंट्स हैं, जिसमें बिग बॉस की झलक मिल रही है। दूसरी, इस सीजन में हो रही लड़ाइयां भी दर्शकों को बिल्कुल बिग बॉस का मजा दे रही हैं। इस सीजन के शुरू होने के दूसरे ही दिन आसिम रियाज को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं अब एक और खिलाड़ी जो शो से इविक्ट हो गया है, वो खिलाड़ी है शिल्पा शिंदे। आपको बता दें, दर्शकों को इस बार जो कंटेस्टेंट रास नहीं आ रही थी, वो थी शिल्पा शिंदे। इससे पहले लेटेस्ट एपिसोड में भी शिल्पा की हरकतों से बाकी कंटेस्टेंट्स खुश नहीं थे, लेकिन शिल्पा के इविक्ट होने की ये वजह तो बिल्कुल नहीं है। एलिमिनेशन स्टंट में शिल्पा का मुकाबला द कपिल शर्मा शो फेम सुमोना चक्रवर्ती और TV एक्ट्रेस अदिति शर्मा के साथ था। आखिरी स्टंट में इन तीनों कंटेस्टेंट्स को करंट वाली स्टिक से बॉल निकालकर रोहित शेट्टी के पास इंस्टॉल किए हुए रोटेटिंग टेबल पर रखना था, और इस स्टंट में सबसे कम बॉल इकट्ठा करने वाले खिलाड़ी को रोहित एलिमिनेट करने वाले थे। ये स्टंट सिर्फ डेंजर जोन में आए हुए कंटेस्टेंट्स को ही परफॉर्म करना था। दरअसल जब शिल्पा शिंदे ये टास्क परफॉर्म कर रही थी, तब उन्होंने रोहित शेट्टी के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान नहीं दिया। रोहित शेट्टी ने इस स्टंट की शुरुआत में ही सभी कंटेस्टेंट से कहा था कि जब वो बॉल लेकर रोटेटिंग टेबल के पास आएंगे, तब उन्हें बहुत ही धीमे स्टेप से पीछे आना होगा और उसी तरह से उन्हें वो बॉल टेबल पर रखनी होगी, वरना रोटेशन की वजह से ये बॉल टेबल से गिर जाएगी। लेकिन ये स्टंट परफॉर्म करते हुए शिल्पा शिंदे ने रोहित शेट्टी की ये सलाह नहीं मानी और उन्होंने तेजी से पीछे आकर रोटेटिंग टेबल पर बॉल रख दी। जैसे ही शिल्पा ने टेबल पर बॉल रखी, रोटेशन की स्पीड की वजह से वो नीचे गिर गई। इस बॉल को गिनने से रोहित शेट्टी ने इनकार कर दिया। टास्क के आखिर में जहां सुमोना और अदिति के 4 बॉल गिने गए, वहां शिल्पा के सिर्फ 3 बॉल ही काउंट हुए और उन्हें शो से बाहर जाना पड़ा। आज की खबर के लिए सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट।